हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद द 95th एनुअल ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन 2022 हेल्ड एट आईफेक्स न्यू दिल्ली। आई एम स्टैंडिंग राइट आउटसाइड दिस स्पेस एंड आई विल स्टार्ट विद द पेंटिंग सेक्शन, देन देयर विल बी ग्राफिक्स, ड्राइंग, स्कल्पचर्स एंड यू नो दे सेंड पीपल सेंड देयर एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और बहुत सारे आते हैं एंट्रीज, ट्रेंड आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट सारे भेजते हैं। इनॉग्रेशन वॉज डन बाय श्री प्रेम सिंह, एमिनेंट आर्टिस्ट एंड फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, एंड देवर जजेस वर देयर, देवर द पैनल ऑफ जजेस। सो मैं उनका भी नाम बताता हूँ आपको, जितेन हजारिका, प्रदीप सक्सेना, विमान बिहारी दास, अनुपम सूद एंड राजेंद्र अग्रवाल। दे जज्ड ऑल द यू नो एंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और आईफेक्स का एक बहुत पुराना हिस्ट्री है। आईफेक्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं राम सुतर जी, और इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रोफेसर विमान बिहारी दास। सो इसका बहुत ही पुराना, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का इसका हिस्ट्री है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, मतलब गैलरी, और इसमें चार गैलरीज हैं, द फोर गैलरीज इनसाइड आईफेक्स, एंड यू कैन रीच आईफेक्स वेरी इजीली बाय मेट्रो, जस्ट गेट डाउन एट सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय जिसे कहते हैं, और उसके बिल्कुल पास में ही है ये आईफेक्स। इसमें बहुत सारे अवार्डीज भी हैं जिनको अवार्ड मिला है, पेंटिंग सेक्शन में भी, ड्राइंग में भी। मैं कुछ लोगों के नाम बताता हूँ जो पेंटिंग सेक्शन में है, वो है शुभ्रा चतुर्वेदी, मोना चड्ढा, प्रदीप नेगी, शोमेन मंडल, मलचंद परीख, उमेंद्र प्रताप सिंह, छाया कुमारी, नागेश मारुति हनकरे, राजेश कुमार महाला, श्रुति विनय एंड विनोद नानाजी चौहान। ये सब पेंटिंग सेक्शंस में इनको अवार्ड मिले हैं। And I'll just read the names of other awardees also. Sculpture section में awardees हैं प्रदीप कुमार, अंबर अग्निहोत्री, अनिल कुमार, देवाशीष रॉय, जितेंद्र प्रजापति। अगर मुझे pronunciation में कुछ गलत हो जाए तो please माफ़ कर दीजिएगा मुझे, I'm sorry for that. ललित कुमार चौरासिया, मुकेश कुमार सिंह, नरेंद्र, चेतन नेगी, इनका काम मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, इनका काम आप देख पाएंगे यहीं पे। देन यू हैव राजेश कुमार एंड सुकन्या, इनको स्कल्पचर्स में इनको अवार्ड मिला है इन सबको। मैं ड्राइंग सेक्शन में कुछ अवार्डीज के नाम बताना चाहूँगा, शत्रुधन कुमार गुप्ता, खुर्रम अमीर, रामकृष्ण पॉल, ऋतिक मंडल। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, दिस इज अवार्डीज का पेंटिंग है, और वहाँ पे अवार्ड लिखे हुए हैं, नीचे स्टिकर में अवार्ड लिखा हुआ है पेंटिंग के नीचे, दे ऑल और लाइक दे गॉट द अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग सेक्शन में सोनिका सिंह, विवेक पाल, अंजलि प्रकाश, अंकुश खत्री, डैनियल जोसेफ, दुर्गेश कुमार, जगदीश बोरगोहेन। और इसके बाद मैं जिस सेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा वो है ग्राफिक्स सेक्शन। ग्राफिक्स में अनामिका सिंह, अंकुर कुमार, प्रशिकांति कुमारा स्वामी, रंजू कुमारी। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड एनीबॉडीज नेम रॉन्गली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। देन अवार्डीज इन द ग्राफिक सेक्शन, संजीव किशोर गौतम, सुप्रिया सिंह, अमन आनंद, अरूप कुमार दास,
अक्षय आनंद सिंह, सॉरी इट्स बी अक्षय, बी अक्षय आनंद सिंह. देन यू हैव रवि कुमार अग्रहारी. ये है टोटल अवार्डीज जिनको अवार्ड मिले हैं अलग अलग सेक्शन में. नाउ जस्ट एंजॉय ऑल द पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स. और अब मैं थोड़ा सा म्यूजिक दे दूंगा यहाँ पे ताकि आप सुन पाए, लेकिन म्यूजिक के बीच बीच में मैं इंटरव्यू भी करूंगा जहां पे मैं काम के बारे में बताऊंगा. अभी लुक एट दिस पर्टिकुलर पेंटिंग बाय मनीषा जैन, दिस टाइटल मेडिटेशन, सो ब्यूटिफुली डन. इसके अंदर बहुत सारे आप ह्यूमन फिगर्स देख पाएंगे पेड़ों के फॉर्म में. They're trees, but trees with having, you know, human figures. So, human being and nature have been shown so beautifully. They have been shown so beautifully. So, this is a very beautiful work. I like this work particularly. Aur ye jo kaam aap dekh payenge painting specially, this is done by my dearest friend Shri Kumar, showing his family, his wife and his daughter. वो अपने फैमिली को ही दिखाया उन्होंने पोर्ट्रेट के थ्रू, और बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ, रोबोट्स भी हैं, मोबाइल भी हैं, घर पे ही इन्होंने अपने स्टूडियो में ये बनाया था. तो ऐसे बहुत सारे यूनिक वर्क्स हैं यहाँ पे. लेकिन मैं कुछ ऐसा भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पेंटिंग्स या बहुत सारे ड्राइंग्स मुझे लगा कि वो शायद उनसे बेहतर कुछ और भी थे पार्टिसिपेंट्स जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनसे बेहतर थे. मतलब कुछ ऐसे काम हैं जिनका अवार्ड नहीं मिला लेकिन वो अवार्ड के लायक हैं बहुत ज़्यादा. और जब भी टाइम मिले जाके खुद आईफेक्स में जाके एग्जीबिशन को देखिए, खुद जाके देखना ज़्यादा बेहतर होता है. एंड इट विल गो ऑन till 21st December. It has started from 6th December 2022 and it will go on till 21st December. सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है. And people who can't visit this place in physical form, people who are residing outside Delhi, ये देखिए मछली बनाया है स्पून से, it's a fish. And for them, especially, Artkeeper is there. So you can watch the entire exhibition on Artkeeper. Please share with your friends. आप अपने students को भी दिखाइए इस तरह के exhibitions. Artkeeper के videos को आप अपने students से share कीजिए. Students in schools, in colleges, please. ये videos students के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाता हूँ मैं. उनसे share कीजिए, please. मैं I request to all teachers who are watching this video, this documentation, please share all these videos with your students and with your colleagues also. Please unke saath aap share kijiye. And I like to read the name of the council members of IFEX. Isme hain Paranjit Singh ji, Professor Paranjit Singh, Rajendra Agarwal, then you have Anupam Sood, Jagdish Chandra De, M Dharmani, Amar Kumar Kapoor, Ram Gupta, Sudarshan Khetrapal. They are the council members. So, art, मतलब यहाँ पे आर्ट का जो एक माहौल है वो आप देख पाएंगे आईफेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा. देन यू हैव त्रिवेणी कला संगम, देन यू हैव ललित कला इन दिल्ली, देन यू हैव बीकानेर हाउस, देन यू हैव इंडिया हैबिटेट सेंटर ऑल्सो. बट मेक इट अ हैबिट टू विजिट ऑल दिस प्लेसेस. कभी भी वीकेंड में जाइए, घूमिए फैमिली के साथ, थोड़ा सा वक्त दीजिए आर्ट को. Absorb art, and appreciate art. एक habit बनाइए. मैं इस कोशिश को करता हूँ Artkeeper के through, लेकिन पता नहीं मैं कितना successful हो पाऊँगा. And I feel very sad that people don't subscribe to my channel. वो देखते हैं लेकिन कोई subscribe नहीं करता. ज़्यादातर students subscribe नहीं करते हैं. मैं चाहता हूँ कोई subscribe करें, इनके पास बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे आपको. इसमें मसाला चटकदार बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे कुछ भी ऐसा. लुक एट दिस वर्क, सो ब्यूटीफुल. इस तरह के काम, मतलब ये काम जो है कृष्णा
त्रिवेदी के हैं, डॉक्यूमेंट्री आवर लाइव्स टू मिक्स मीडिया ऑन कैनवस, चाचा चौधरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मधुबनी पेंटिंग्स की पार्ट हैं, इट्स ए काइंड ऑफ विजुअल कोलाज एंड मेकिंग काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ऑन द यू नो थिंग्स गोइंग अराउंड अस। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आई हैव सीन मेनी पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स विच हैव शोन द कोविड टाइम द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल। जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के वक्त उनको वक्त नहीं मिला था घर तक पहुंचने के, कुछ लोगों दे हैड टू वॉक फ्रॉम दिल्ली टू बिहार टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू देयर विलेजेस, उनको चल के जाना पड़ा अपने विलेजेस में 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर, इवन टू असम, ओके, इवन टू डाउन साउथ, दे हैव टू वॉक, कोई साइकिल पे, कोई रिक्शा में, कोई ठेले में, काफी लोगों का डेथ हुआ उस दौरान, कोविड में भी हुआ एंड लॉकडाउन में भी हुआ, और इस तरह के लॉकडाउन के दौरान जो चल के गए इसमें बहुत लोग मारे गए जिनका डेटा नहीं है हमारे पास, सैडली, है ना, डेटा नहीं है, वी आर सैड, वी फील सैड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बट उस चीज़ों को भी आर्टिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है, देयर आर पॉलिटिकल कमेंट्स आल्सो देयर बट इन ए वेरी सटल वे, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, सटायर भी है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, ट्रेजेडी को भी दिखाया गया है, एंड इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट बाई ऑल दिस आर्टिस्ट, आई अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर यू नो वे ऑफ थिंकिंग।
please subscribe and press the bell button for future notifications. Thank you. Look at this beautiful work. It's so beautiful. The interplay of colors is like something cosmic being shown. No, this जिस तरह से colors का application हुआ है, जिस तरह से textures के साथ उन्होंने खेला है, जिस तरह से form को निकाला गया है, abstraction है, but it's giving a very cosmic feeling. You know, something out of this world being created. And I'm going to show you one of the most striking sculptures which I've seen in this particular exhibition. Again, this is a beautiful work. जिस तरह से colors के साथ खेला गया है,
बहुत बहुत ही अलग किस्म का काम है. नाउ दिस इज द स्कल्पचर आई वॉज टॉकिंग अबाउट बाय नरेंद्र. दिस हैज गॉट एन अवार्ड. इट्स अनटाइटल्ड. ब्लैक मार्बल में काम किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस इट्स ब्लैक मार्बल जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो मैं कैटलॉग से देख के बता रहा हूँ. बट आई डोंट नो, आई कांट फिगर आउट वेदर इट्स मार्बल और इट्स समथिंग एल्स.
This is again a very striking work. This is Homecoming by Ramchandra Pokhale. And look at this painting. It shows the lockdown period. It shows the COVID time. It shows, people walking towards their home from Delhi. जब लॉकडाउन हुआ था यहाँ पे तो लोग पैदल चल के गए थे अपने घरों में, काफ़ी लोग मारे भी गए थे. सो इट शोज दैट एंड द मास्क, वी कांट फॉरगेट द मास्क. एंड अगेन दिस इज बाय शुभ्रा चतुर्वेदी, इट गॉट एन अवार्ड. और वो ये भी वही दिखा रहे हैं, कोविड का टाइम है, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके लिए लोग पागलों की तरह भटक रहे थे. यू नो दैट वॉज अ मोस्ट हॉरिबल टाइम. एंड द सेकेंड वेव, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव मोर पीपल डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन था ही नहीं. तो वो ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट ने दिखाए हैं. बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ उनके आसपास जो हुआ उन्होंने वो पोर्ट्रे किया है. ब्यूटिफुल. लेट्स गो डाउन स्टेयर्स. और यहाँ पे भी दो और गैलरीज हैं आईफेक्स में. और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कल्पचर्स हैं. लुक एट दिस वर्क बाय राकेश साधोक, मेटल एंड वुड, जर्नी 13 इज द टाइटल. सो स्ट्राइकिंग. और ये कोलकाता में होते हैं ऐसे हैंड रिक्शास. एंड ये बहुत ही स्ट्राइकिंग काम है. यू नो स्कल्स, इट कैरिंग स्कल्स, बहुत ही स्ट्राइकिंग वर्क है. और बहुत सारे अच्छे स्कल्पचर्स मैंने यहाँ पे देखे हैं. एक इनका है और एक और स्कल्पचर है जहाँ पे टाइपराइटर के साथ दिखाया गया है बाय शनि केशरी. फर्टिलिटी ऑफ साइंस. अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. एंड दिस स्कल्पचर गॉट अवार्ड. ये अवार्ड मिला हुआ है. दिस बाय अंबर अग्निहोत्री, न्यूलिथिक कपल सेरामिक्स. सो जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, अच्छे स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स आर देयर, रियली गुड वर्क्स. एंड समटाइम्स यू नो आई हैव टू नैरेट थिंग्स, आई हैव टू टेल द थिंग्स. म्यूजिक हमेशा यूज नहीं कर सकते हम लोग. मैं चाहूँगा कि और भी लोग पार्टिसिपेट करें, अच्छे से अच्छे काम आए आईफेक्स में. ड्राइंग सेक्शन में भी बहुत सारे अच्छे काम हैं यहाँ पे, वो भी आप देख पाएंगे. दिस इज वन ऑफ द गैलरीज. आप गैलरीज में अंदर जाएंगे, हम अभी एंटर नहीं करेंगे. दिस इज द वर्क आई वॉज टॉकिंग अबाउट, शनि केशरी, फर्टिलिटी ऑफ साइंस, मेटल एंड मिक्स मीडिया. इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग वर्क, बहुत बढ़िया काम है. वन शुड ट्राई टू विजिट यू नो ऑल दिस एग्जीबिशंस इन फिजिकल फॉर्म. आप खुद जाके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. हाँ, नहीं देख पाते हैं तो ऑब्वियसली आर्ट कीपर इज़ ऑलवेज देयर. एंड प्लीज़ सपोर्ट आर्ट कीपर. सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए. अगर पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट हैं आप और आप ये वीडियो देख रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. और सब्सक्राइब भी कीजिए. प्लीज़ सपोर्ट आर्ट कीपर. आई नीड योर सपोर्ट. आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट. Thank you.
This is a sculpture I was talking about by Chetan Negi, Puzzle Life, and it's metal. It got an award, IFX Cash Award. बहुत बेहतरीन काम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये. So I had to stop the music and I have to show this work in a different way. थोड़ा narrate करना पड़ा मुझे. बहुत अच्छा काम है ये, one of the best that I have seen at IFX.
I hope you have all enjoyed this video. Please stay with Artkeeper, support Artkeeper, subscribe and share with your friends and family. Thank you so much.